जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। अब जो राजा अकबर था वो बीरबल को बहुत ही पसंद करता था। अब क्यों पसंद करता था? क्योंकि बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था और उसकी बुद्धि के आगे किसी की भी नहीं चलती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से बहुत जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अब जो दरबारी थे वो बीरबल से बहुत जलते थे और वो बीरबल को मुसीबत में फंसाने के लिए नए नए तरीके सोचते रहते थे। अब अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अब जो अकबर का एक खास दरबारी था जिसका नाम ख्वाजा सरा था, उसको जो है अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। जो ख्वाजा सरा था वो बीरबल को अपने सामने एक छोटा सा बालक और मूर्ख समझते थे। वो सोचते थे कि बीरबल तो मूर्ख है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज़। अब दरबार में बीरबल की ही बात सुनी जाती थी और ख्वाजा साहब की कोई भी बात नहीं सुनी जाती थी। अब क्यों नहीं सुनी जाती थी? क्योंकि ख्वाजा साहब व्यर्थ की बातें करते रहते थे। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? जो ख्वाजा सरा था वो बीरबल को पसंद नहीं करते थे, वो बहुत चलते थे बीरबल से, और उनकी चलती तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन किसी को ऐसे निकालना आसान बात है? फिर एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। अब ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सारे प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे, मतलब बीरबल जो वो हार मान लेगा और वो किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। फिर राजा मान लेगा कि जो बीरबल है ख्वाजा सरा के आगे कुछ भी नहीं है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता, वो तो बुद्धू है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें, उस नकली अक्कल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। जो ख्वाजा साहब था उसने अपनी बढ़िया सी पगड़ी पहने दाढ़ी सही की और राजा अकबर के पास पहुंच गए और बोले, बीरबल खुद को बड़ा बुद्धिमान समझता है, आप भी उसकी बड़ी बड़ी बातों में आ जाते हैं। ख्वाजा साहब ने राजा से कहा, मैं चाहता हूं कि आप बीरबल से मेरे 3 सवालों के उत्तर पूछकर देख लीजिए कि उसका दिमाग कितना तेज है, वो खुद को बड़ा होशियार समझता है। ख्वाजा साहब राजा से कहते हैं कि बीरबल कोई होशियार नहीं है, यदि वह इन 3 सवालों के उत्तर नहीं दे पाया तो उसकी सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? ख्वाजा के बोलने पर अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उन 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, जरूर दूंगा, खुशी से पूछें।
बीरबल बोले, जहाँपनाह, मैं ख्वाजा साहब के 3 प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा, आप खुशी से पूछिए। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अब ख्वाजा साहब ने अपने तीनों प्रश्नों को लिखकर राजा अकबर को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है। अकबर ने बीरबल से पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है। संसार के केंद्र मतलब पूरी दुनिया का केंद्र कहाँ है। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अब बीरबल ने कहा, जहां मैं खड़ा हूं यही दुनिया का केंद्र है। बीरबल ने जल्दी से अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर गाड़ दी और उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास नहीं है तो वह सारी दुनिया को फीते से नापकर देख लें और मेरी बात को गलत साबित करके दिखा दें। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं। अब अकबर ने बीरबल से दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जितने भेड़ के शरीर में बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर ख्वाजा साहब को कोई शक है तो वह बता देंगे कि आसमान में कितने तारे हैं। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है। अब अकबर ने तीसरा प्रश्न पूछा, संसार में कितनी आबादी है। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसीलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, दुनिया में लोग मरते रहते हैं, आबादी घटती बढ़ती रहती है, लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए सभी लोगों का एक ही स्थान पर इकट्ठा करें तो उनको गिनकर सही संख्या बताई जा सकती है। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। अब राजा अकबर तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब ने कहा, ऐसे उल्टे सीधे उत्तरों से थोड़ी ना काम चलेगा। तो बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, अगर आपको मेरे जवाबों से संतुष्टि नहीं है तो मेरे जवाबों को गलत सिद्ध करिए। अब ख्वाजा साहब फिर से कुछ नहीं बोल सके।